जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये कैपेसिटर के ऊपर लेकर गया हूँ। इससे पहले वीडियो मैंने आपको दिया था रजिस्टर के बारे में वीडियो दिया था, लेकिन आज मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूँ वो कैपेसिटर के बारे में कि मोबाइल फोन के अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है वो कैसा दिखाई देता है और उसको कैसे पहचानते हैं, ये कैपेसिटर को पहचानने का तरीका क्या होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अपने बोर्ड पर चलते हैं, बोर्ड के व्यू करते हैं, बोर्ड में देखते हैं कैपेसिटर कैसा दिखता है। ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे कैपेसिटर के बारे में। सबसे पहली बात क्या, ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए दे रहा हूँ जो बिल्कुल ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कमजोर हैं, पहली बात ये है। दूसरी बात क्या, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल जीरो लेवल के हैं, आज उनको 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल काम करते करते हो गया लेकिन उनको कंपोनेंट के बारे में नॉलेज नहीं है और वो कंपोनेंट की नॉलेज को वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर उनको लगता है कि अगर हमको मोबाइल फोन रिपेयरिंग संबंधित अगर पूरी सब चीजों की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना है तो ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर मात्र 45 दिन का कोर्स कराते हैं, 45 दिन के अंदर बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका सिखाया जाता है। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से ट्रेनिंग होती है और सप्लाई सर्किट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सभी चीजों के बारे में आपको सिखाया जाता है। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टूडेंट कानपुर से बात कर रहा हूँ। ये ट्रेनिंग सेंटर जो है कानपुर स्टेशन के मात्र 200-300 मीटर नियर अबाउट एक मार्केट पड़ती है जिसको हम लोग सागर मार्केट बोलते हैं। यहाँ पर दुनिया जानते छोड़ो 100-200 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर बड़ा दूर दूर का आदमी है, अगर उसके मोबाइल फोन के अंदर कोई भी खराबी हो जाती है तो लोग यहाँ पर मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए आते हैं। यहाँ आसपास का कितना भी बड़ा एरिया है अगर उसके मोबाइल फोन के अंदर कोई भी मोबाइल फोन के अंदर गड़बड़ी आ जाती है, कोई भी खराबी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अपने जब लोकल में दिखाने जाता तो वहां पर समस्या आती है कि उसको सामान नहीं मिलता। जब सामान नहीं मिलता तो कहते भैया कल फोन मिलेगा, परसों मिलेगा, तरसों मिलेगा, अभी क्यों नहीं हो पाएगा। जब कस्टमर पूछते हैं तो कहते भैया अभी हमारे पास सामान नहीं है, सामान हमको सागर मार्केट से लेकर आना पड़ेगा। अब सागर मार्केट में क्यों जाएंगे, क्योंकि सागर मार्केट मोबाइल फोन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की सबसे बड़ी मार्केट है, सभी लोग मोबाइल फोन का सामान लेने के लिए आते हैं और वहीं पर अपना ट्रेनिंग सेंटर है। अब ये ट्रेनिंग सेंटर का सबसे बड़ा फायदा भी इसको मिलता है कि दूर दूर के लोग जब मोबाइल फोन बनवाने के लिए आते हैं तो यहाँ पर हम लोग फ्री में मोबाइल फोन ठीक करते हैं और हमारे स्टूडेंट लोग मोबाइल फोन रिपेयर करके देते हैं तो हमारे बच्चों को सीखने को मिलता है, किसी का फ्री में काम हो जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैपेसिटर को हम लोग कैसे चेक करेंगे, कैपेसिटर को पहचानने का तरीका क्या होता है, बोर्ड में इन सब चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग लेंगे। तो सबसे पहली बात क्या, हम लोग अपने कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर को कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, कैपेसिटर कैसा होता है, कैसा दिखता है, बोर्ड में कैसे पहचानेंगे, इन सब चीजों के बारे में फिर आगे बात करते हैं। तो कैपेसिटर क्या रहता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को फिल्टर करता है, कंपोनेंट है जो सप्लाई को फिल्टर करता है। इसका काम क्या होता है, मोबाइल फोन में करंट को साफ करना कि करंट को फिल्टर कैसे किया जाता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को फिल्टर करता है। अब हम बात करते हैं रियल शेप, रियल शेप का मतलब होता है दिखने में कैसा होता है। कैपेसिटर जो होता है साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्राउन कलर का होता है। इसके साइड में दोनों पॉइंट कैसे होते हैं, सिल्वर होते हैं, बीच में ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद एक कैपेसिटर और भी ऐसा आता है कि जिसमें ऐसे पट्टी बनी होती है, उसमें ब्राउन कलर की पट्टी होती है और पूरी बॉडी जो होती है येलो कलर की होती है। उसके बाद इसी में एक और कैपेसिटर आता है जिसमें से ऐसे ऐसे पट्टी होती है, पूरी पट्टी व्हाइट कलर की होती है और बॉडी जो होती है कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। ये पट्टी कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, ये ब्राउन कलर की होती है। ये कैपेसिटर ब्राउन कलर का भी होता है और ग्रे कलर का भी होता है। कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। तो इस कैपेसिटर को जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एमपीसी,
एलपीसी का पूरा नाम होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर, पीसी का पूरा नाम होता है पोलराइज कैपेसिटर। तो हमारा सबसे पहले कैपेसिटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीसी, एलपीसी का नॉन पोलराइज कैपेसिटर, पीसी, पीसी का पूरा नाम क्या होता है पोलराइज कैपेसिटर। तो दो तरह के कैपेसिटर होते हैं जो हमारे मोबाइल फोन में लगे होते हैं। लेकिन अगर आप बात करी जाए तो आजकल प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग अगर देखेंगे तो 95% जो होता है वो तुम्हारा ये एलपीसी लगा होता है। अब जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन आते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल फोन जो भी पीसी भी आते हैं, उन सब में से ब्राउन कलर का, ग्रे कलर का ही लगा होता है, जिसे हम लोग एलपीसी बोलते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। और पोलराइज कैपेसिटर तो पाया ही नहीं जाता, अब तो मोबाइल फोन आना फिलहाल बंद हो गया, बंद सा हो गया, अब नहीं आ रहा मोबाइल फोन में। तो कैपेसिटर जो होता है ये साइड में सिल्वर का, बीच में ब्राउन कलर का होता है या येलो कलर का भी होता है। अब बात करते हैं इसका जो डेनोटिंग लेटर होता है, वो सी होता है। मतलब इसको शॉर्टकट में हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं भी अगर सी लिखा होगा तो सी का मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि हमको कैपेसिटर के बारे में बताया जा रहा है, ये कैपेसिटर की पहचान कराई जा रही है। इसका सिंबल इस तरीके से इसका सिंबल होता है, ये जो सिंबल होता है तुम्हारा एनपीसी का सिंबल होता है, और इस तरीके का सिंबल जो होता है ये तुम्हारा पीसी का सिंबल होता है, क्योंकि इसमें एक हिस्सा प्लस होता है दूसरा हिस्सा माइनस होता है। इसमें ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है, ये वाला हिस्सा निगेटिव होता है। तो एनपीसी नॉन पोलराइज कैपेसिटर का ये सिंबल होता है। इसका वर्क होता है सिग्नल फिल्टर करना। इसका काम क्या होता है मोबाइल फोन में सिग्नल को फिल्टर करना, मतलब हमारे मोबाइल फोन में जो सिग्नल आते हैं उन सिग्नल को क्या करता है फिल्टर करता है। इसका काम होता है सिग्नल को फिल्टर करना, ये इसका काम होता है। अब हम लोग बात करेंगे टेस्टिंग, इसका टेस्टिंग होता है मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वैल्यू दे या ना दे तो ओके। अगर आप इसको चेक करेंगे, चेक करने पर वैल्यू देगा या नहीं देगा तो सही है। मोस्टली जो इसको खराब बोला जाता है फॉल्टी, फॉल्टी का मतलब होता है ये खराब होता है यदि बीप दे, बीप देगा तो खराब है। अगर आप जब कैपेसिटर को चेक करेंगे तो कैपेसिटर चेक करने पर क्या देता है बीप देता है। अगर चेक करने पर बीप देगा तो खराब है, वैल्यू देगा या नहीं देगा, जैसे वैल्यू दे रहा है या वैल्यू ना दे तो हमारा क्या है सही है। लेकिन अगर बीप देने पर हमारा शॉर्ट हो जाता है, ज्यादातर कैपेसिटर खराब होने की वजह से आपका सर्किट सप्लाई शॉर्ट मार जाता है, सर्किट सप्लाई डेड हो जाता है, जिस कारण से हमारा मोबाइल फोन भी बंद हो जाता है। क्योंकि कैपेसिटर के अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों लाइन के बीच में लगा होता है, जब पॉजिटिव निगेटिव को दोनों लाइन के बीच में लगा होगा अगर वो आपस में शॉर्ट हो जाएगा तो प्लस माइनस की दोनों लाइनों को आपस में मिला देता है। जब प्लस माइनस की दोनों लाइनों को आपस में मिला देगा तो आपका मोबाइल फोन का वो सर्किट बंद हो जाएगा, या वो सर्किट अगर मेन पावर सप्लाई होगा तो पूरा मोबाइल फोन ही बंद हो जाएगा। जैसे आज की क्लास में ऐसा हुआ था कि हमारे पास सैमसंग का मोबाइल फोन एक स्टूडेंट था, उसके बाद मोबाइल फोन आया था और उसके बैटरी कनेक्टर के लाइन में लगा था कंपोनेंट कैपेसिटर लगा था, वो शॉर्ट हो गया था, जिस कारण से पूरे मोबाइल फोन में सब जगह शॉर्टिंग 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 मिल रही थी। तो उसने क्या किया, उस कैपेसिटर को जैसे ही मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट किया तो मदरबोर्ड से शॉर्टिंग हट गई, क्योंकि उसके शॉर्ट होने का मतलब होता है उसने दोनों लाइनों को आपस में मिला रखा था, और शॉर्टिंग हटते ही उसका मोबाइल फोन भी चालू हो गया। तो ये सारी चीज कैपेसिटर कंपनी से लगाते हैं ताकि हमारे सप्लाई जब भी आए तो सप्लाई को फिल्टर होकर के जाए, ताकि आगे सर्किट सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना आए, सप्लाई में प्योरिटी बनी रहे। और इतने खराब होने से हमारे मोबाइल फोन में शॉर्ट सर्किट, डेड, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है, तो हम लोग इनको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, बस हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है सॉल्व हो जाती है। चलिए मैं आपको
नेट के माध्यम से जितने भी सारे कैपेसिटर होते हैं, सारे कैपेसिटर को एक एक करके आपको डीप करता हूँ, सारे कैपेसिटर को आपको दिखाता हूँ। अगर आप सबसे पहले बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड में अगर आप गूगल में सर्च करते हैं कैपेसिटर, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे कैपेसिटर मिल जाते हैं। अगर आप फोटो में क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपको कैपेसिटर आपको ऐसा देखना प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये कैपेसिटर में साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्राउन कलर का होता है, ये छोटे छोटे बहुत सारे लगे हैं। ये कैपेसिटर जो होते हैं यहाँ पे चार्जर में लगे होते हैं और मदरबोर्ड में लगे होते हैं या कोई भी हैवी डिवाइसेस होती है उसमें लगे होते हैं, इस तरह के कैपेसिटर होते हैं। इन्हें हम लोग सॉलिड स्टेट कंपोनेंट बोलते हैं, लेकिन ये मोबाइल फोन में फिलहाल ये इस टाइम पे नहीं लगे होते, मोबाइल फोन में ये वाले लगे होते हैं। अगर आप कैपेसिटर के मेन अगर फोटो के इमेज पे जाएंगे तो कैपेसिटर में देखेंगे इतने डिजाइन के कैपेसिटर होते हैं। ये वाला कैपेसिटर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इस तरीके से इतने तरीके के मोबाइल फोन में फिलहाल ये वाले कैपेसिटर अपने लगे होते हैं। ये वाले कैपेसिटर है जो अपने मोबाइल फोन में पाए जाते हैं। इनके खराब होने से हमारे मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है, ये ऐसी समस्या आती है। अब इन दोनों लोगों को मैं अपने पर हाईलाइट करता हूँ जरा। ये कैपेसिटर है, इसके जो साइड के जो पॉइंट होते हैं इनको सिल्वर पॉइंट होते हैं और ये बीच की बॉडी होती है ये ब्राउन कलर की होती है। ये लगा हुआ है, ये है और ये तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं एनपीसी। एनपीसी का मतलब ब्राउन कलर कैपेसिटर और इसको हम लोग बोलते हैं बीसी। इसमें तो ब्राउन पट्टी है, ये वाला हिस्सा प्लस है, ये वाला हिस्सा क्या है माइनस है। ये मोबाइल फोन में 5% ही पाया जाता है, बाकी मार्केट में या मोबाइल फोन के अंदर हम ज्यादातर यही पाया जाता है, 90 से 85% आपको ये वाला कैपेसिटर पाया जाता है। अब चलिए हम लोग अपने बोर्ड पे देखते हैं, बोर्ड को पहचानते हैं, बोर्ड में चेक करते हैं। इसके लिए हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो हम लोग अपने पीसीबी बोर्ड पे चलते हैं, हम पीसीबी बोर्ड को प्रोजेक्ट करेंगे, दिखाते हैं हम आपको। जैसे ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड में देखेंगे ये वही बोर्ड है। अगर आप देखेंगे बात करेंगे डिलीटिंग के, तो ये देखो आपके सामने बोर्ड है, इसी बोर्ड को हम आपको व्यू करके दिखा रहे हैं। उसके बाद एक हमारे पास ये एंड्रॉइड का बोर्ड है, मैं आपको एंड्रॉइड का बोर्ड का व्यू करके दिखाता हूँ। एक मेरे पास एमआई के मोबाइल फोन का बोर्ड है, मैं इसको भी व्यू करके दिखाता हूँ। तो जैसे अगर आप इस कैपेसिटर पर व्यू करेंगे, अगर देखेंगे तो ये जैसे लगा हुआ है, तो ये साइड में सिल्वर है, बीच में ब्राउन कलर का है, इनको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। छोटे वाले भी ये भी कैपेसिटर है, ये सारे कैपेसिटर है टोटल। आपके मोबाइल फोन में कैपेसिटर जो होते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में लगे होते हैं, और अगर आप देखेंगे गौर से देखेंगे तो इस तरीके का कैपेसिटर जो होता है शॉर्ट मार जाता है। आपका तो संजीव तुमको कैसे पता, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करके देखेंगे या जूम करके देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे, तो इसके अंदर देखिए थोड़ा सा कार्बन आया हुआ है, ये जल गया है। इस तरीके से हमारे मोबाइल फोन में शॉर्ट सर्किट होता है और सप्लाई शॉर्ट मारती है। तो थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखाता हूँ, क्लियरिटी दिखाता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। और ऐसी समस्या इस तरीके से कैपेसिटर खराब होने से हमारे फोन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारा सेट डेड हो जाता है, हमारा सेट खराब हो जाता है, काम नहीं करता। ये हमारा क्या हुआ है, बहुत सारा मॉइस्चर लगा हुआ है, ये चारों तरफ फंगस है, जल गया है। अगर इस तरीके से कैपेसिटर हो जाता है तो आपका सीपीयू शॉर्ट मार जाएगा, जब सीपीयू शॉर्ट मार जाएगा तो सेट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, आपका मोबाइल फोन चालू नहीं होगा। तो उस कंडीशन पर हम लोग ऐसे कैपेसिटर को साफ करते हैं या बोर्ड से निकाल करके बाहर रख देते हैं। और जैसे बोर्ड से निकाल करके बाहर रखते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसके खराब होने से मोबाइल फोन में बैटरी ड्रिंकिंग है या और भी एरर है, मैसेज है, इस तरीके से कई सारे अनगिनत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो हम लोग सिर्फ इसको साफ सुथरा करते हैं, नहीं होता तो इसको उतार करके क्या कर देते हैं, बाहर रख देते हैं। जैसे आप उतार करके बाहर रख देंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी और आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो ये जैसे मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में आपको बताया हुआ है, आपको खराब दिख भी गया, इससे आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ में आया होगा। अब मैं आपको दूसरा बोर्ड देता हूँ। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, ये एंड्रॉइड मोबाइल फोन का बोर्ड है, ये मेरे बोर्ड को मैंने इसमें रखा। इस बोर्ड के अंदर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बोर्ड के अंदर जितने भी छोटे बड़े सारे लगे होते हैं सारे आपके कैपेसिटर हैं। ये देखिए ये सारे ब्राउन कलर के कैपेसिटर हैं। अच्छा देखो, जब कैपेसिटर को चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को वीक पॉइंट पे लगाएंगे, क्या करेंगे मल्टीमीटर को वीक पॉइंट पे लगाएंगे और दोनों प्रोब को आप ऐसे लगा देंगे इधर और इधर,
सिल्वर वाले पॉइंट पर दोनों क्रोको को आप ऐसे लगा देंगे। जैसे दोनों क्रोको को आप यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पर लगाने के बाद आपका क्या होगा, अगर एक कैपेसिटर बीप देने लगता है तो बीप देने का मतलब ये 100% शॉर्ट मार गया है, खराब है, आप इसको बोर्ड से हटा देंगे, बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अब हम लोग कैपेसिटर को क्या करते हैं, मल्टीमीटर के माध्यम से उसको चेक भी करते हैं। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि कैपेसिटर को हम लोग चेक कैसे करेंगे। क्योंकि हमारा कैपेसिटर है, इसको हम लोग चेक करेंगे, मल्टीमीटर को बी पॉइंट में सेट करेंगे। जैसे इसको दोनों पॉइंटों में लगाएंगे, दोनों पॉइंट में लगाने पर कुछ नहीं बताएगा तो हमारा क्या है, सही है। अगर ये चेक करने पर ऐसे बीप देने लगता है तो बीप देने का मतलब क्या है, शॉर्ट है। जब इसके दोनों पॉइंटों को चेक करेंगे, दोनों पॉइंटों चेक करने पर क्या देगा, वैल्यू देगा। आपने जैसे को चेक किया ऐसे वैल्यू देगा, अगर वैल्यू देगा तो सही है, बीप देगा तो क्या है, खराब है। मैं एंड्रॉयड मोबाइल फोन का चेक करके दिखाता हूँ। ऐसे तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर को चेक करेंगे। जब कैपेसिटर को चेक करेंगे, कैपेसिटर चेक करने पर अगर बीप देता है, वैल्यू देता है, तो हमारा कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया किस तरीके से हमारे पास जो मदरबोर्ड आता है, उस मदरबोर्ड के अंदर कैपेसिटर को हम कैसे चेक करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा आपको समझाया ताकि आपको क्लियरिटी से अच्छे से समझ में आ सके और वीडियो में इन सब चीजों के माध्यम से आप उन सब चीजों को अच्छे से समझ सकें। तो मैंने आपको पूरा कैपेसिटर के बारे में एक एक करके आपको मैंने डिटेल बताया। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में आपको क्या सारी चीजें समझ में आई, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट होते हैं तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6391711711 6391211211। किसी नंबर पर आप कॉल करके मैसेज कर सकते हैं, या अगर दिन में किसी भी टाइम पे, फ्री टाइम पे अगर आप वीडियो कॉलिंग से देखना चाहते हैं कि आपकी क्लास कैसे हो रही, कैसे आपको सिखाया जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम आपको इतना मेहनत करके वीडियो देते हैं तो आप भी हमारे लिए पॉजिटिव कमेंट करें। वीडियो में बने